माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है वैष्णो देवी मंदिर। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनके दुखों को हरने वाली, उनकी दिक्कतों को खत्म करने वाली, उन्हें संसार की सभी खुशियां प्रदान करने वाली, शेरा वाली माता आदिशक्ति वैष्णो देवी माता। मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रों के दौरान माँ वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों में तो जैसे इस मंदिर को एक उत्सव का रूप मिल जाता है। देश विदेश सभी जगहों से भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। कहते हैं यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्रदान करती है पहाड़ों वाली माता। वैष्णो देवी को माता रानी त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी को हिंदू धर्म में देवी माँ महालक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। भारत में माँ या माता शब्द का उपयोग जन्म देने वाली माँ के लिए किया जाता है और अक्सर इसका उपयोग वैष्णो देवी के नाम से पहले भी किया जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू देवियों को समर्पित एक मंदिर है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला के कतरा में स्थित है। शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम हिंदू मंदिर है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती हैं, देवी माँ का अवतार हैं। वैष्णो देवी मंदिर की कथा हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके लौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। दैवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाई। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्की के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया, इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। वैष्णो देवी का मंदिर कतरा से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और कतरा से मंदिर जाने के लिए परिवहन की सुविधा भी की गई है। श्रद्धालु पालकी और इलेक्ट्रिक गाड़ी के जरिए मंदिर जा सकते हैं, जिसमें 2 से 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। कतरा से संजी छत तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है जो कतरा से 9.5 किलोमीटर दूर है। श्री माता वैष्णो देवी जी को जाने वाले तीर्थ यात्रा सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है, जिसमें लाखों तीर्थ यात्री पैदल यात्रा करते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर दुनिया भर में मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है।
यह मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ियों की गुफा में बना हुआ है। लाखों लोग इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हर साल आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हर साल यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या तो अब 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। श्रद्धालुओं का मां वैष्णो देवी पर अटूट विश्वास होने की वजह से यह मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। माता वैष्णो देवी मंदिर की गुफा। वैष्णो देवी की ऊंचाई कितनी है? माता की पवित्र गुफा सतह से 5200 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कहा जाता है कि तीर्थयात्रा करते समय मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है और इसीलिए बूढ़े से बूढ़े यात्री भी इस चढ़ाई को आसानी से पार कर जाते हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन 3 प्राकृतिक पत्थरों के रूप में किए जाते हैं। गुफा के अंदर मां वैष्णो देवी की कोई स्थापित प्रतिमा नहीं है।